चार दिनों के तनाव के बाद शुमार से हटने लगी चीनी फौज। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार रात 10:45 बजे से हिंदुस्तानी सीमा से चीनी जवानों का हटना शुरू। चार दिन पहले भारतीय सरहद में 5 किलोमीटर अंदर तक घुस गए थे चीन के करीब 1000 जवान। चीनी फौज के कदम खींचने के बाद भारतीय सेना के जवान भी वापस लौटने शुरू। घुसपैठ की खबर के बाद 14 कॉप्स ने करीब 1000 जवानों को भेजा था। सूत्रों का दावा, चीनी फौज की गतिविधियों पर भारतीय सेना की कड़ी नजर, क्योंकि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूद है चीनी फौज। आज भारतीय सेना करेगी हालात की समीक्षा। लद्दाख डैम चौक में हालात जस के तस। यहां भारतीय सीमा में करीब 500 मीटर अंदर 12 दिनों से टैंक गाड़ कर बैठे हैं चीनी जवान। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पीएम मोदी ने कल घुसपैठ पर की थी बात। जिनपिंग ने दोस्ताना तरीके से सीमा विवाद सुलझाने का जताया था भरोसा। अब कार से भी कैलाश जा सकेंगे श्रद्धालु। कैलाश मानसरोवर यात्रा के नए रूट पर भारत चीन के बीच सहमति। नाथुला से होगा नया रास्ता। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला से एक नया रास्ता खोलने की अनुमति दी है। यह नया रास्ता उत्तराखंड के रास्ते के अतिरिक्त होगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सम्मान में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिया भोज। पत्नी और प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे थे जिनपिंग। दावत से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जताई उम्मीद। सरहद पर शांति बरकरार रखने के लिए त्रुटिहीन संवाद का तंत्र बनाएंगे दोनों देश। आज बीजिंग लौट जाएंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। बुधवार को अहमदाबाद से की थी दौरे की शुरुआत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर शिवसेना ने सख्त किया रुख। कहा स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा। शिवसेना कभी किसी के आगे झुकी नहीं। महाराष्ट्र का स्वाभिमान और शिवसेना का आत्मसम्मान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीटों के बंटवारे पर शिवसेना ने पार्टी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे पर छोड़ा फैसला। बैठक के बाद संजय राउत बोले, आखिरी फैसला शिवसेना ही करेगी। महाराष्ट्र सीट विवाद में कोल्हापुर से अमित शाह की हुंकार, नहीं करेंगे सम्मान से समझौता। आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मान के साथ समाधान चाहता है। सम्मान के भोग पर सम्मान के बगैर समाधान नहीं होगा। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और एनसीपी में भी कलह है। अजीत पवार ने कांग्रेस से कहा, 144 सीट से कम पर नहीं लड़ेंगे। बात ना मानने पर अकेले लड़ने की दी धमकी। सीटों पर तकरार के बीच आरपीआई नेता अठावले ने छोड़ा तुर्रा। कहा शरद पवार ने दिया था एनसीपी से लड़ने का न्योता। एमएनएस के विधायक राम कदम ने दिया पार्टी को झटका। बीजेपी में शामिल होने की खबर। एमएनएस पर लगाया उपेक्षा का आरोप। कोल्हापुर से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अध्यक्ष ने किया महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अभियान का आगाज। रैली से पहले लक्ष्मी मंदिर में पूजा। पुणे में भी की रैली। अगर युति बननी है तो मैं दोनों पार्टियों के नेताओं को कहना चाहता हूँ, हमारे प्रमुख नेता यहाँ बैठे हैं, और शिवसेना के मित्रों को भी कहना चाहता हूँ, जल्दी इसका दोनों का सम्मान रहे, इस तरह का निपटारा ढूंढिए। सोलन जिले के अर्की में ऐतिहासिक सायर मेले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की हूटिंग। नाराज होकर भाषण अधूरा छोड़ा। विकास योजनाओं की नहीं की घोषणा। मैंने आज बहुत सी इस इलाके की तरक्की के लिए घोषणाएं करनी थी, क्योंकि आप उतावले हैं, इसलिए मैं नहीं करता। मैं आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय। मध्य प्रदेश में निर्दलीय विधायक दिनेश राय की हरकत पर बीजेपी कार्यकर्ता नाराज। सिडनी में पुतला फूंका एक कार्यक्रम के दौरान। राय बीजेपी विधायक नेता पटेरिया की साड़ी से हाथ पोंछते देखे गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी हरियाणा की बल्लभगढ़ की विधायक शारदा राठौर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर पर लगाया अपमानित करने का आरोप।
किस लिए हुई हूँ कि वो मुझ पर पर्सनल अटैक किए हैं। पर्सनल अटैक करने का कोई नहीं हो जाता। ये मैं एक विधायक होने के साथ साथ एक महिला हूँ, मेरी अपनी एक अपना व्यक्तित्व है, मैं एक इंसान हूँ। एमएनएस चीफ राज ठाकरे के फर्जी फेसबुक प्रोफाइल पर शुरू हुई जांच, शिवाजी पार्क थाने में केस दर्ज। झारखंड में फेसबुक पर पेश हो रही है सीएम पद की दावेदारी, अर्जुन मुंडा, यशवंत सिन्हा, रघुवर दास और सीपी सिंह के नाम से चलाया जा रहा है अभियान, नेताओं की सफाई, कार्यकर्ताओं ने बनाए होंगे अकाउंट। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर भड़की बिहार की मंत्री लेसी सिंह, कहा विधवाओं का दिए बयान के लिए हेमा मांगे माफी, नहीं तो बिहार आने नहीं देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास के बाहर भोपाल गैस पीड़ितों का प्रदर्शन, खुद को जंजीरों से बांधा। एग्मोर की अदालत ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री को दिया आदेश, 1 अक्टूबर को हाजिर हो, नहीं भरा था इनकम टैक्स रिटर्न। दिल्ली के मोतिया खान इलाके में मवेशी चोरी कर भाग रहे मेवाती गैंग पर पुलिस ने की फायरिंग, 4 बदमाश भागने में कामयाब, 1 गिरफ्तार, भागते वक्त बदमाशों ने पुलिस पर किया था पथराव। दिल्ली के तिहाड़ जेल में 2 दिन के भीतर 2 कैदियों की जान गई, जेल नंबर 1 में कैदी रिंकू की संदिग्ध हालात में मौत, रिंकू के घर वालों ने DDU अस्पताल में किया हंगामा, जेल में जहर देकर हत्या का आरोप। बहू के आरोप के बाद दहेज उत्पीड़न में गिरफ्तार किए गए तिहाड़ जेल के जेलर ज्ञान सिंह, बेटा भी गिरफ्तार। चिराग दिल्ली इलाके में मानव तस्करी का पर्दाफाश, प्लेसमेंट एजेंसी से पुलिस ने 3 दलालों को किया गिरफ्तार, आरोप है कि गैंग के दलाल प्रेम में फांस कर पश्चिम बंगाल से लड़कियों को लाते थे। रोहतक के सेक्टर 4 से अगवा 5 साल के बच्चे को पुलिस ने सकुशल छुड़ाया, बरामद कर लिया। दिल्ली बाईपास में धरे गए किडनैपर, पुलिस का दावा 80 लाख रुपए के लिए बदमाशों ने बच्चे को अगवा किया था। बिजनौर ब्लास्ट केस में ATS और STF को बड़ी कामयाबी, पकड़ी गई संदिग्धों की 2 महिला मित्र, महिलाओं के पास से आतंकियों के बैग मिलने का दावा। विशाखापट्टनम के श्रीपुरम में निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरी, मलबे में दबकर 4 मजदूरों की मौत। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से मरने वालों की तादाद 260 के पार पहुंची, अकेले जम्मू रीजन में 210 लोगों की मौत। अब गर्भ में मिलेगा बच्चों को संस्कार, भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में संस्कारवान संतान के लिए शुरू होगा कोर्स। वाराणसी के गंगा घाट को वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी, घाटों पर वाईफाई की सुविधा देगा BSNL, 3 महीने में पूरा हो सकता है प्रोजेक्ट। चैंपियंस लीग में किंग्स 11 ने 5 विकेट से हॉबर्ट हरिकेन को हराया, मैक्सवेल ने खेली 43 रनों की शानदार पारी, जॉर्ज बेली और थिसारा परेरा ने किया धमाका। किंग्स 11 के पहले मैच में नहीं दिखा वीरेंद्र सहवाग कदम, वीरू नहीं खोल पाए अपना खाता, मिलर भी हुए 0 पर आउट। एशियन गेम्स में शामिल नहीं हो पाने के लिए लियांडर पेस ने जताया खेद, आज तक से बातचीत में पेस ने कहा देश के लिए हमेशा खेलना मुश्किल, इसी हफ्ते डेविस कप वर्ल्ड प्लेऑफ में पेस ने भारत को दिलाई थी जीत। सानिया जीत सकती है एशियन गेम्स मेडल, लियांडर पेस ने जताया भरोसा, कहा सानिया के पास शानदार जोड़ी। इंडियन सॉकर लीग में खेलने के लिए दिल्ली पहुंचे इटली के फुटबॉलर डेल पियरो, दिल्ली डायनामोस से टीम के साथ शुरू करेंगे प्रैक्टिस। स्कॉटलैंड में 32 जगहों पर जनमत संग्रह की गिनती शुरू, भारतीय समय अनुसार आज दोपहर तक फैसला आने की उम्मीद, स्कॉटलैंड के जनमत संग्रह में करीब 42,85,000 लोगों ने की वोटिंग। एग्जिट पोल में 54% लोगों ने ब्रिटेन के साथ बने रहने की बात, 46% चाहते अलग होना, टेनिस स्टार एंडी मरे ने स्कॉटलैंड की स्वतंत्रता का किया समर्थन, ट्वीट कर पक्ष में वोट देने की अपील। ISIS से लड़ाई में अरब देशों के समर्थन का अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जताया भरोसा, कहा सेनेट से भी मिली मंजूरी।
भारतीय अमेरिकी मूल के रिचर्ड वर्मा भारत में अमेरिका के नए राजदूत होंगे। दिल्ली में शीर्ष ओहदा संभालने वाले भारतीय मूल के पहले अधिकारी नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले होगा रिचर्ड की नियुक्ति का ऐलान। ISIS के वीडियो में ब्रिटेन के एक पत्रकार ने सच बताने का किया दावा। वीडियो में पत्रकार ने अपना नाम बताया जॉन केंटाइल। पत्रकार का दावा 2012 में उसका हुआ था, पर नहीं हुई है वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि।